यूपी में एनआईए टीम पर हमला, एक जख्मी। लुधियाना में आरएसएस नेता रविंदर गोसाई कत्ल के मामले में एक संदिग्ध को पकड़ने गाजियाबाद के गांव गई एनआईए और पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पथराव और फायरिंग में गोली लगने से यह एसओजी जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस वाले फायरिंग करते हुए खुद को बचाकर गांव से भागे। आरोपी बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया। दो को हिरासत में ले लिया गया है। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को आरएसएस के शाखा प्रमुख रविंदर गोसाई की बाइक सवार दो आतंकियों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई थी। घटना के बाद एनआईए टीम ने बताया कि लुधियाना में आरएसएस नेता की हत्या के मामले में आरोपी मलूक ने ही हथियार सप्लाई किए थे। एनआईए की टीम 2 दिसंबर को मेरठ पहुंची, जहां से उसे मलूक के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद एनआईए यूपी एटीएस एसओजी टीम रविवार तड़के 5 बजे गांव नहाली में मलूक के घर दबिश देने पहुंची, जहां मलूक फायरिंग करते हुए फरार हो गया। इसके बाद मलूक के परिजन और ग्रामीणों ने एनआईए समेत पुलिस टीम को घेर लिया और उन पर जमकर पथराव और फायरिंग की। इस दौरान पैर में गोली लगने से एक सिपाही तहजीब घायल हुआ। कई पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोटें आईं।